155 शाहबाद नवाब काइट क्लब में आप सभी का स्वागत है। हमारा क्लब संपूर्ण भारत वर्ष के सभी पतंग के शौकीन मेंबर्स को आमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। श्रीमद् भागवत पुराण कलयुग में मुक्ति ग्रंथ का अनूप महाराज उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के ग्राम चौहाना में कलश यात्रा निकलकर श्रीमद् भागवत कथा यज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले कलश पूजन कर गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए कलश यात्रा निकाली गई। गर्रा नदी से घट भरकर कलश यात्रा भगवान प्रांगण पहुंची, भागवत प्रांगण पहुंची, जहां भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। असलापुर धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य अनूप ठाकुर जी महाराज ने प्रवचन देते हुए भागवत कथा के बारे में बताया कि भागवत पुराण को मुक्ति ग्रंथ कहा गया, इसलिए अपने पितरों की शांति के लिए इसे हर किसी को आयोजित कराना चाहिए। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इसे संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति मिलती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हरि स्मरण भागवत कथा श्रवण करने की जरूरत है। उसी के साथ अनु महाराज ने भागवत के महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए भक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। अगर मनुष्य जन्म मिला है और भगवान की भक्ति नहीं की तो जीना बेकार है। अनूप ठाकुर जी ने कहा कि जीवन में दो चीज़ दुर्लभ कही गई है, पहली दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। दूसरी तत्रापि दुर्लभम मने वैकुंड प्रिय दर्शनम, अनंत अनंत योनियों में घूम करके कीट पतंग और बनकर आधियों योनियों में जाकर अनंत व अवस्थाओं में से हो करके ये तो किसी पूर्ण कर्म से ठाकुर जी ने रीझ करके मनुष्य शरीर रूपी एक साधन हम लोगों को दिया है। इसका जितना हम प्रभु भक्तों भक्ति में उपयोग कर ले में उतना ही कम है। इसी के साथ गोकर्ण धुंधकारी परीक्षित जन्म की कथा सुनाई गई। कथा श्रवणार्थ शिवम सिंह, श्याम सिंह, रघुवीर सिंह, मुन्ना सिंह भदौरिया, मोहित सिंह, राम कुमार सक्सेना, लवकुश इश्तियाक अली समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सर्वजीत कुमार हरदोई से खास रिपोर्ट। भैया देखियो हमारो सही सलामत खींचना पर क्या गए रुपिया बंदे से उड़ा चले जाएंगे आगे चक्रों में बनेगा चलो चक्रों में बाउंड कली मिली मेरे यहाँ तो बन जाए दो।